Hey everyone, welcome back to my YouTube channel, This Side Priya Singh. So today's video is all about healthy, clear and glowing skin. So आजकल everyone wants picture perfect flawless skin and उसे अचीव करने के लिए बहुत सारे लोग इतना ज्यादा lots of money spend कर देते हैं, complicated problem के complicated solution ढूंढते, बल्कि complicated problem का बहुत ही ज्यादा simple solution होता है जो हमें खुद सामने available होता है and हम उसे avoid करके market में जो सारी चीजें available होती हैं उसे grab करने की कोशिश करते हैं, उसे फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। सो इन टुडेस वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी वे में अचीव कर पाएगी हेल्दी, ग्लोइंग एंड क्लियर स्किन। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप 1 इज एक्सेप्ट एंड ऑनर। सो अबव एवरीथिंग एक्सेप्ट एंड लर्न टू लव योर ओन स्किन। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं ना तो इफ इन केस अगर आपके फेस पे फ्रेकल्स है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्किन है, टैन स्किन है, इट डजंट मैटर बिकॉज इट्स यू एंड यू आर ब्यूटिफुल। ये सेकेंड पर्सन आपको नहीं आके बताएगा, ये आपको खुद अपने आप को फील करना पड़ेगा दैट इज कि आप ब्यूटिफुल हो। एंड सेकेंड थिंग इज कि फोकस करो उन सारी चीजों पे जो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं आपके साथ कोई भी DIY रेमेडीज शेयर करती हूँ या फिर वो सारी चीजें शेयर करती हूँ जिससे आपकी कोई भी स्किन प्रॉब्लम ट्रीट हो सकती है। तो उन सारी चीजों को फोकस करो एंड फॉलोअप करो रेदर देन जो गॉड गिफ्टेड है उसे चेंज करने के बजाय उसे ऑनर करो एंड उसी चीज को एक्सेप्ट करके हैप्पीली रहो। सेकेंड टिप इज न्यूट्रिशन इज द की। सो हेल्दी ग्लोइंग स्किन प्राइमरी कम्स फ्रॉम इनसाइड नॉट फ्रॉम आउटसाइड। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो चीज आप खाते हो वही चीज आपके फेस पे शो होती है। सो काफी लोग इसके लिए कहेंगे कि आप विटामिन्स एंड मिनरल्स की कैप्सूल लेना स्टार्ट कर दो जो मार्केट में मिलती है, वो थोड़ा हेल्प करेगी टू गेट क्लियर स्किन। अब कुछ लोग कहेंगे न्यूट्रिशंस डाइटिशियन की एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंग्रेडिएंट या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ फूड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी टू अचीव क्लियर स्किन, जस्ट लाइक सैलड्स, फ्रूट्स, वेजीज। बट आई टोटली बिलीव कि आपका पूरा फूड इंटेक जो होता है वो टोटली डिपेंड होता है न्यूट्रिशन पे एंड डाइट पे। एंड इसके लिए एक पर्टिकुलर फूड इंग्रेडिएंट खा के आपको ये चीज नहीं मिल सकती, इसके लिए आपको सब कुछ खाना पड़ेगा। सो आपके घर में जो चीजें बनती है आप उसे इंटेक कीजिए। एंड गाइज सिर्फ और सिर्फ एकदम स्ट्रिक्ट डाइट मत रखिए, आप ऑयली फूड भी इंजॉय कर सकते हो ऑन वीकली डेज, क्योंकि जैसे मैं क्या करती हूँ वीक डेज पे मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं खुद को पैम्पर करने के लिए चिप्स, चॉकलेट्स वगैरह खा लेती हूँ। बट मेक श्योर करना है आपको कि सारी चीजें बैलेंस करके चलनी है। अगर आप वेजीज खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो तो आप वीक में एक बार रेस्ट डे ले सकते हो जहां पर आप अपना खुद का फूड इंग्रेडिएंट या फिर खुद का कुछ भी आपको पसंद है जो हेल्दी नहीं है, जो थोड़ा सा ऑयली है, सो आप उसे भी खाइए। ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करना है, सारी चीजें इंजॉय कीजिए, बस कीप इट ऑल बैलेंस। स्टेप 3 इज स्टे हाइड्रेटेड। अब आप लोग बोलेंगे दिस इज समथिंग जो सब लोग सजेस्ट करते हैं। अब सब लोग सजेस्ट क्या करते हैं, ग्रीन टी, डिटॉक्स टी, विटामिन इन्फ्यूज्ड वाटर जो बॉटल में खूब सारे फ्रूट्स ऐड करके उसे काफी ज्यादा फैंसी बना के उसे पीना, वो सिर्फ और सिर्फ फैंसी कहलाता है, क्योंकि ये सारी चीजें एक क्विक फिक्स सॉल्यूशंस है जो लॉन्ग टर्म में आपको बिल्कुल भी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होने वाली है। सो गाइस ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए आपको फ्लूइड्स का इनटेक करना है। अब फ्लूइड्स के फॉर्म में आप प्लेन वाटर पी सकते हो, लेमन वाटर पी सकते हो, स्मूदी जूस पी सकते हो, वेदर के अकॉर्डिंग जो भी फ्रूट्स मिलता है उसका जूस बना के पियो, ग्रीन टी, देन नॉर्मल टी, कॉफी, आप ये सारी चीजें फ्लूइड्स के फॉर्म में इनटेक कर सकते हो। सो कहने का मतलब यही है कीप इट वेरी सिंपल, क्योंकि सिंपल चीजें हम लोग लाइफस्टाइल में बहुत ही इजिली ग्रैब कर लेते हैं रेदर देन जो फैंसी चीजें जो टीवी पे शो होती है, जो मार्केट में आपको शो होती है, वो एक टाइम के लिए काफी अच्छी रहती है बट लॉन्ग रन के लिए आपको ओवरऑल हाइड्रेशन के लिए फ्लूइड्स का इनटेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टिप 4 इज कीप योर स्किन केयर वेरी सिंपल। तो आप जितने कम प्रोडक्ट्स रखोगे ना उतना ज्यादा आपको ही इजी पड़ेगा स्किन केयर रूटीन को एवरीडे बेसिस पे फॉलो करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी 3 स्टेप्स स्किन केयर शेयर करूंगी। स्टेप 1 में मैं बायोडर्मा सेंसिबाई H2O नॉन रिंस क्लेंजर यूज करने वाली हूँ। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट माइसिलर वाटर है। आपको थोड़ा सा कॉटन पैड पे लेना है एंड अपना मेकअप रिमूव करना है। ये आपके ब्रेकआउट्स को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होता है, आपके मेकअप को जेंटली एंड डीपली रिमूव करता है, इवन वाटरप्रूफ मेकअप, डर्ट, सनस्क्रीन पोल्यूशन को भी रिमूव करता है। कंटेन्स क्यूक्यूम्बर एक्सट्रैक्ट टू बूस्ट कोलेजन एंड टाइटन योर स्किन, यूज्ड बाय सेलिब्रिटीज एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय डर्माटोलॉजिस्ट।
स्टेप टू में मैं बायोडर्मा सेंसिबाई जेल मुसैंड फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा अमाउंट लेके मसाज करना है, ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन एंड रेडियंट प्रोवाइड करेगा। इसमें विटामिन ई है जो रिड्यूस करेगा यूवी रेज डैमेज एंड रिमूव एक्सेसिव ऑयल फ्रॉम योर स्किन एंड प्रिवेंट्स क्लॉग्ड पोर्स। आपको डबल क्लेंजिंग करनी चाहिए टू प्रिवेंट ब्रेकआउट्स एंड वाइट हेड्स, ये पिंपल से बचने के लिए ज़रूर करें। स्टेप थर्ड में मैं बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम यूज़ कर रही हूँ। इट गिव्स सॉफ्ट एंड क्लियर स्किन। इसे यूज़ करने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाएगी। इट कंटेन्स नियासिनेमाइड टू इम्प्रूव हाइड्रेशन एंड रिपेयर स्किन बैरियर। ये आपको 24 आवर्स हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड इट कैन बी ऑल्सो यूज आफ्टर रेटिनॉल AHA BHAs इफ़ यू आर यूजिंग इट। सो हियर इज माई ग्लोइंग स्किन। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू अचीव इट, फॉलो दी स्टेप्स। स्टेप 5 इज स्वेट इट आउट। स्वेटिंग से एंड रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करने से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो इनहेंस होता है एंड आपकी स्किन इनरली ग्लो करती है। क्योंकि जब भी आपने नोटिस किया होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हो सो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, आप बहुत जोर जोर से सांस लेते हो जिसकी वजह से आपके जो बैड टॉक्सिन्स होते हैं आपके बॉडी में वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब टॉक्सिन्स जितने भी वो रिलीज हो जाएंगे तो आपको एक्ने पिंपल जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड एक्ने नहीं होगा तो डार्क स्पॉट नहीं होगा एंड पिगमेंटेशन भी नहीं होगा। तो ऑलरेडी आपकी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स तो यहीं से ट्रीट हो जाती है। एट द सेम टाइम आपको एक्सरसाइज करने के लिए खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, आपको 24 आवर्स में अपना 30 मिनट्स देना है। अगर आप 30 मिनट्स सिर्फ वॉक कर ले रहे हो घर पे ही, टेरेस पे वॉक कर लो, या फिर तो आप स्किपिंग कर सकते हो, या फिर तो आप फोन में सॉन्ग सुनते सुनते थोड़ा सा एक कॉलोनी में वॉक करके आ जाओ, या फिर तो आपसे अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो खाना खाने के बाद मेक श्योर कीजिए कि आप 15 मिनट्स का वॉक डेफिनेटली लीजिए, क्योंकि खाना खा के तुरंत आपको सोना नहीं है। सो कंक्लूजन यही होता है, मोर फिजिकल एक्टिविटी मोर हेल्दी स्किन। टिप 6 इज लेट इट ब्रीथ। सो गाइज एज यू नो माई चैनल इज मोर अबाउट स्किन केयर एंड मैं जितना ज्यादा कम मेकअप यूज करती हूँ उतना ही ज्यादा आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि मेकअप का कम यूज कीजिए, अपनी नेचुरल स्किन को ऑनर कीजिए। क्योंकि क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो आप जैसे अपने नोज पे फिंगर रख लोगे तो सांस नहीं ले पाओगे, बट यू हैव अ माउथ जहां से आप सांस ले सकते हो, बट उसी फेस पे अगर आपने हर जगह मेकअप अप्लाई कर लिया है तो वो कहीं से ब्रीद नहीं कर पाएगी। सो उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसे ब्रीद करने दीजिए, आपके पोर्स ब्रीद करेंगे तभी आपके फेस में इनरली ग्लो आएगा। अब सपोज करो कि अगर आप एवरीडे बेसिस पे मेकअप अप्लाई कर रहे हो और किसी दिन आपने मेकअप अप्लाई नहीं किया तो आप खुद को कम ब्यूटीफुल समझोगे एंड इसकी वजह से आपको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो बेटर है वो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स की फीलिंग आपको ना आए, तो आप अपने नेचुरल स्किन को ऑनर कीजिए। एंड हाँ गाइज, आप ओकेजनली मेकअप यूज कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट डेली बेसिस पे दैट्स नॉट अ गुड थिंग। टिप 7 इज जेंटल एक्सफोलिएशन। सो गाइज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में वीक पे एक बार अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग होती है एंड बहुत ही अच्छी तरीके से साफ सफाई होती है ना, इन द सेम वे आपका फेस भी है। वीक में वंस और ट्वाइस आपके फेस को भी डीप क्लेंजिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारा फेस पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में, सन के कॉन्टैक्ट में आता है, जिसकी वजह से आपके फेस के पोर्स में डर्ट, बैक्टीरिया, इम्प्यूरिटीज, गंक एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी फेस प्रॉब्लम्स आपको इश्यू करने होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीक में एक से दो बार एक्सफोलिएशन करना है। अब एक्सफोलिएशन के लिए मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे DIY एक्सफोलिएटर बताए हैं, मार्केट में भी एक्सफोलिएटर्स स्क्रब्स मिलते हैं, आप उसका यूज कर सकते हो। सो DIY स्क्रब अगर मैंने बताया तो उसको आपको जेंटली लेके अपने वेट फेस पे अप्लाई करना है एंड मसाज करना है एटलीस्ट फॉर 1-2 मिनट्स। इससे क्या होगा कि जितने भी आपके पोर्स में गंक एक्यूमुलेट हो गया होगा वो थॉरली रिमूव हो जाएगा एंड इसकी वजह से आपके जो पोर्स हैं वो क्लीन रहेंगे ऑल द टाइम। तो आपको ये प्रोसेस को एवरीडे बेसिस पे फॉलो नहीं करना है, आपको वीक में बस एक से दो बार फॉलो करना है। टिप 8 इज प्रॉपर स्लीप। एंड ये बताते हुए मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, सो एक्सक्यूज मी गाइज। सो होता क्या है कि आजकल की जो जनरेशन, हम लोग की जो जनरेशन है वो सोने के मामले में बहुत ज्यादा इम्प्रॉपर है। लाइक मेरे फ्रेंड्स हैं जनरली मुझे बताते रहते हैं कि यार मैं 3-3, 4-4 बजे तक रात में पढ़ी, पबजी खेला, रील्स देखा। सो इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि आप 3-3, 4-4 बजे तक तो पढ़ ले रहे हो लेकिन सुबह 10 से 11 बजे उठ रहे हो, ये कोई प्रॉपर स्लीप नहीं है। रात बनी है सोने के लिए एंड प्रॉपर स्लीप लेने के लिए। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको एवरीडे बेसिस पे
8 to 9 hours की स्लीप लेना ही लेना है। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, 12 बजे रात में सो जाऊंगी एंड मेरा फिक्स्ड है कि मुझे 8 बजे उठना ही उठना है। एंड दिन में मैं मेक श्योर करती हूँ कि 1 to 1.5 hours मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करूँ। मैं सोती भले ही नहीं हूँ बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि 1 घंटे मेरी बॉडी दोपहर में रेस्ट करे, सो दैट कि मेरा माइंड अच्छे से काम करे। क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे अभी के लिए तो सही है, बट इन फ्यूचर जाके आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी हेल्थ इश्यूज आपको बढ़ जाएगा, आपका माइंड ढंग से काम नहीं करेगा एंड ये सारी चीजें इफेक्ट होंगी आपके फेस के थ्रू। आपका फेस डल दिखने लग जाएगा, डार्क दिखेगा, आपकी आईज हमेशा पफी रहेगी। सो इन सारी प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए प्रॉपर स्लीप इज अ मस्ट एंड इसे अवॉइड बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मेजर एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग होता है आपकी लाइफ का एंड आपके लाइफ पार्ट का। टिप 9 इज डिक्रीज स्ट्रेस। अब ये देखो, लाइफ इज नॉट सिंपल, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसको लेके वो लोग उसे स्ट्रेस करते हैं। किसी की लाइफ में छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेस कहलाती है और बड़ी प्रॉब्लम्स तो स्ट्रेस है ही है, बट उस स्ट्रेस को कैसे डिक्रीज करें एंड कैसे उस स्ट्रेस में, एंड क्योंकि हमारी लाइफ तो रुकने नहीं वाली, ये स्ट्रेस रुकने नहीं वाले, बट उस स्ट्रेस को हमें कम कैसे करना है, ओवरकम कैसे करना है, वो हमारे हाथों में ही है। सो उसको करने के लिए आप बहुत ही ज्यादा इजी स्टेप फॉलो कर सकते हो। इसके लिए आपको लिटरली कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप वो चीज कीजिए जो आपको खुशी मिलती हो जिसमें, जैसे कि आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जा सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो। सॉन्ग्स तो आई थिंक वो हर एक चीज को हील कर सकती है बहुत ही इजिली एंड हम लोग तो पर्सन है यार, हम तो easily heal हो सकते हैं। Then आप सेल्फ केयर कर सकते हो, मेरी वीडियोस देखिए, सेल्फ पैम्पर कीजिए खुद को। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें करके आप स्ट्रेस से ओवरकम कर सकते हो एंड ज्यादा टेंशन लोगे तो यार देखो उससे कुछ सोल्यूशन जल्दी easily नहीं निकलेगा। खुश रह के अगर उसी स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली कम होगा। माई 10th एंड माई लास्ट टिप टू अचीव हेल्दियर क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन इज कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव। क्योंकि आपकी एक स्माइल आपके फेस को ऑलरेडी इनफ है ब्यूटीफुल बनाने के लिए। सो यहाँ सिर्फ दिखाने के लिए स्माइल नहीं करना है, आपको दिल से स्माइल करना है। सो वो शोएब इब्राहिम का डायलॉग है ना कि खुश रहिए और प्यार बांटिए, तो वही चीज आपको भी फॉलो अप करनी है अपने लाइफ में। स्माइल करते रहिए, आपकी ब्यूटी ऑलरेडी इनर से ग्लो करेगी। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आपको मेरा ये जो 10 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया वो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा हो एंड डेफिनेटली आप ये सारे टिप्स को अपने लाइफस्टाइल में ग्रैब कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में फॉलो अप करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके आप एक बाय एक वन बाय वन स्टेप फॉलो अप करोगे ना, आपको खुद इन सब चीजों की आदत हो जाएगी एंड आपकी स्किन ऑलरेडी ग्लो करना स्टार्ट कर देगी। एंड माई चैनल इज ऑलवेज देयर फॉर यू, आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम्स है वो ट्रीट करने के लिए हमेशा मैं यहाँ पे हाजिर रहूंगी। सो गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना, ये वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।